बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह, वो धनंजय सिंह जिसके नाम से पूर्वांचल का एक एक पत्ता कांप जाया करता था, लेकिन आज वो धनंजय सिंह जेल की सलाखों के अंदर है। सजा का ऐलान बस कल होने को है, लेकिन उसके पहले ही परिवार में कोहराम मच गया। जैसे ही धनंजय सिंह को कोर्ट ने अपहरण के मामले में दोषी करार दिया, उसके बाद पुलिस कस्टडी में लेकर धनंजय सिंह को सीधे जौनपुर की जेल पहुंची, जहां पर जेल के अंदर सलाखों के पीछे धनंजय सिंह को धकेल दिया गया। लेकिन पुलिस क्या जानती थी कि जैसे ही धनंजय सिंह को पीछे से धकेला जाएगा, उसके बाद पीछे पीछे धनंजय सिंह की पत्नी दौड़ी दौड़ी आ जाएंगी। अब ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला की। श्रीकला तुरंत कुछ ही देर बाद सीधे जौनपुर जेल पहुंच गई और पता लगाया कि आखिर धनंजय सिंह को किस हालत में जेल के अंदर डाला गया है। अब आप इन तस्वीरों में श्रीकला को कम मत आंकिएगा। श्रीकला वो हैं जो इस समय जौनपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, जिन्होंने भाजपा प्रत्याशी को हराकर दांव पेच लगाकर जौनपुर जिला पंचायत की सीट अपने कब्जे में कर ली थी। और अब पति के जेल पहुंचते ही श्रीकला पूरे ताव तेवर में एक्शन में नजर आईं और सीधे जेल पहुंची और धनंजय से मुलाकात की। बहरहाल यहां पर श्रीकला ने किसी से बातचीत नहीं की, लेकिन उनके तेवर देख के लग रहा था कि जैसे अब श्रीकला किसी की सुनने वाली नहीं है। अब जहां एक तरफ श्रीकला एक्शन में दिख रही हैं, तो वहीं धनंजय सिंह इस कोर्ट के फैसले के बाद जैसे हताश नजर आ रहे हो। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, एक तरफ जब धनंजय सिंह कोर्ट से बाहर निकले उस समय धनंजय सिंह की क्या हालत थी, और जब जेल के सामने उनकी गाड़ी रुकी और गाड़ी से उतर कर धनंजय सिंह ने अपने कदम जब जेल की तरफ बढ़ाए, तो क्या कुछ हाल था धनंजय सिंह का, वो आप इन तस्वीरों में देखिए। बता दें कि ये पूरा मामला 2020 का है। 10 मई 2020 को नमामि गंगे परियोजना से जुड़े प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम सिंह पर अपहरण, रंगदारी मांगने और धमकी देने के मामले में जौनपुर के लाइन बाजार थाने में FIR दर्ज करवाई थी। अभिनव सिंघल का आरोप था कि धनंजय सिंह ने कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति के लिए दबाव बनाया था। जब प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने मना किया, तो धनंजय के करीबी संतोष विक्रम ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर अभिनव का अपहरण कर लिया और धनंजय के घर ले जाकर मारपीट की और साथ ही साथ पिस्तौल सटाकर जान से मारने की धमकी दे डाली थी। फिलहाल जौनपुर की MPMLA कोर्ट ने धनंजय सिंह को दोषी करार दे दिया है और धनंजय सिंह पर जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, उनमें 364, 386, 504, 506, 120B के तहत कोर्ट ने उन्हें दोषी माना है और इन तमाम धाराओं में धनंजय सिंह को 2 साल से ऊपर की सजा मिलना तय माना जा रहा है। यानी कि चुनाव की उम्मीदवारी पर अब धनंजय सिंह का ग्रहण लग सकता है और इसके बाद पत्नी की उम्मीदवारी की संभावना बढ़ गई है। अब देखना होगा कि धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद पत्नी क्या चुनावी मैदान में ताकत आजमाएंगी या फिर धनंजय सिंह का रुतबा यहां पर समाप्त हो जाएगा। जौनपुर से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।